दोस्त आज हम बात करेंगे इंस्टेंट रेजिग्नेशन के बारे में या स्पॉट रिजाइन के बारे में। डायरेक्टली किसी कंपनी को छोड़ सकते हो या दूसरे दिन से लीव कर सकते हो, नहीं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके के वीडियोस मैंने और भी कई सारे बनाए हुए हैं जहां पे मैंने इसी के बारे में बात किया है, बट ये थोड़ा सा एक दो पॉइंट हो सकता है इसमें अलग हो, क्योंकि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ स्पॉट रिजाइन या इंस्टेंट रिजाइन के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कंपनी फ्री होती है एम्प्लॉय को निकालने के लिए यानी कि टर्मिनेट या एब्सकॉन्ड करने के लिए, एंड एम्प्लॉय भी फ्री होता है। कभी भी कोई भी एम्प्लॉय कोई सी भी कंपनी छोड़ सकता है, बट आपने किसी भी तरीके का बॉन्ड अग्रीमेंट पर साइन ना किया हो, मतलब किसी भी तरीके की लीगल डॉक्यूमेंट्स पर साइन ना किया हो जिसमें ये लिखा हो कि आप इस कंपनी में नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए रुकोगे, नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए आप रुकोगे, तो इस तरीके का किसी भी लीगल पेपर पे साइन नहीं होना चाहिए। आप कंपनी को कभी भी छोड़ सकते हो। बट अब मैं बात करता हूँ कि इंस्टेंट रिजाइन या स्पॉट रेजिग्नेशन के बारे में। तो इंस्टेंट रिजाइन अब मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको 6 मंथ के पहले, मतलब 6 मंथ के पहले अगर आपकी सर्विस है किसी भी कंपनी में, तो आप छोड़ सकते हो इंस्टेंट भी स्पॉट भी, क्योंकि विद इन 6 मंथ आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता है किसी भी कंपनी में। बट अगर आपको 1 साल हो गए हो, 2 साल हो गए, 3 साल, 4 साल, 5 साल अगर हो गए हो किसी भी कंपनी में आपकी सर्विस के टोटल, तो उसमें क्या है कि अगर आप कंपनी को इंस्टेंट रिजाइन करके जाते हो तो उसमें कंपनीज आपको टर्मिनेशन लेटर भी दे सकती हैं, कंपनीज आपको एब्सकॉन्डिंग लेटर भी दे सकती हैं, तो आपका एक्सपीरियंस भी ख़राब हो जाएगा। एंड हो सकता है फॉर सपोज आपने किसी कंपनी को 15 तारीख को छोड़ दिया एंड 16 या 17 तारीख में आपने किसी दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर लिया जो आपकी फ्यूचर कंपनी थी, अब प्रीवियस कंपनी या आपका जो करंट कंपनी है वो क्या करेगी, आपका ईपीएफ पोर्टल पे या पीएफ पासबुक में आपका डेट ऑफ एग्जिट मेंशन नहीं करेंगे। अब जब डेट ऑफ एग्जिट मेंशन नहीं करेंगे, आपने 16 से वो ज्वाइन कर लिया एंड इसके बाद 15-20 दिन या 2 महीने बाद आपकी प्रीवियस या करंट एम्प्लॉयर आपका डेट ऑफ एग्जिट पीएफ में डालेगा और आपने 16 से दूसरी कंपनी ज्वाइन कर रखी, तो क्या होगा कि वो पीएफ में सर्विस ओवरलैपिंग हो जाएगा, और जब पीएफ में सर्विस ओवरलैपिंग हो जाएगा तो आपका फ्यूचर पूरा इंपैक्ट करेगा। हो सकता है जिस कंपनी में आप जा रहे हो अगर एक वो एमएनसी कंपनी है, तो कुछ दिन बाद आपको वहां से भी टर्मिनेशन मिल जाएगा, क्योंकि वो बोलेंगे आपकी प्रीवियस कंपनी से डेट ऑफ एग्जिट नहीं पड़ा है, हम डेट ऑफ एंट्री नहीं डाल सकते अपने पासबुक की, आपकी सर्विस ओवरलैपिंग का इशू है। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना कि आप कंपनी अगर छोड़ रहे हो कोई सी भी 3-4-5 साल 6 महीने बाद, और ये विद इन 6 मंथ में भी आपको करना है, आपसे विद इन 6 मंथ आप छोड़ सकते हो 3 महीने में, बट आपको याद रहे कि डेट ऑफ एग्जिट आपके पीएफ में पड़ गया, उसके बाद ही आप दूसरी कंपनी ज्वाइन कर रहे हो। बाकी छोड़ने की अगर रही बात, आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो 4 साल 5 साल 10 साल 15 साल हो गए और उसके बाद आपको फ्यूचर में कभी जॉब ही नहीं करनी है, मतलब आपको किसी भी तरीके का जॉब नहीं करना है, तो फिर आप इंस्टेंट छोड़ सकते हो, आप घर जा सकते हो, जो भी आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो वो एक अलग केस होता है जब आपको फ्यूचर में कभी जॉब ही नहीं करनी है, उस केस में भी आप इंस्टेंट छोड़ सकते हो। बाकी कंपनी आप पे कोई भी एक्शन नहीं ले सकती है अगर आपने लीगल बॉन्ड पे साइन नहीं किया है, एंड अगर आपको लगता है कि नहीं आप इंस्टेंट छोड़ना चाहते हो तो कंपनी आपको डराएंगी धमकाएंगी, तो उसमें नहीं आना है, कंपनी आपका कुछ नहीं कर सकती, आप कल से भी जॉब छोड़ सकते हो। इसके अलावा बाकी अगर आपका कुछ क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो व्हाट्सएप पे आप मुझे पिंग कर सकते हो, स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा। इसके अलावा आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में भी आप अपना क्वेश्चन या क्वेरी पूछ सकते हो, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।